तो आज हम बनाएंगे व्रत स्पेशल रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और मैंने जब ये रेसिपी बनाई तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया। और अगर आप भी इसे ट्राई करें तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 15 से 20 सिंघाड़ा ले लिया है और अब हम इसे इस तरीके से कट करके इसका छिलका निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे रफली चॉप कर लेंगे। तो मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है और अब मैंने एक पैन ले लिया है और अब हम इसमें 1/4 कप फल्ली डाल देंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने इसे रोस्ट कर लिया है और अब हम इसे ठंडा करके इसका छिलका निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और अब हम इसमें कटे हुए सिंघाड़ा को इसमें डाल देंगे। और अब हम ले लेंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ले लिया जिसे बारीक कट कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने नींबू का रस ले लिया है और अब मैंने यहाँ पे 2/3 टेबल स्पून नमक ले लिया है। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और मैंने यहाँ पे फली का छिलका निकाल लिया है और अब हम इसे भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा व्रत स्पेशल रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।